हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया के उन बच्चों के बारे में, उन स्टूडेंट के बारे में जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, जो ऑलरेडी जिनका एडमिशन जामिया में है। आप सब सुनते हुए आ रहे हैं कि जामिया में प्रोक्टर्ड एग्जाम होगा, मोनिटर्ड एग्जाम होगा। क्या होता है मोनिटर्ड एग्जाम, क्या होता है प्रोक्टर्ड एग्जाम, क्या इसकी सच्चाई है, ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नोटिस है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ से आपको वेबसाइट दिया हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए। उसके बाद ये नोटिस है 8 दिसंबर का नोटिस है, घर का एक दो दिन पहले की ही नोटिस है। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन 14-2020, ये आपको नोटिस नंबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे नोटिस, पहले हम लोग इसको पढ़ के समझाता हूँ मैं आपको, फिर क्या होता है फिर मैं बताऊंगा प्रोक्टर्ड एग्जाम क्या होता है, क्या है इसकी सच्चाई। चूंकि बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीजें अफवाह उड़ रही है कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो यहाँ आपको मैं एक एक करके सब चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग नोटिस पढ़ते हैं। इन द व्यू ऑफ द रिजोल्यूशन नंबर 6 ऑफ द मीटिंग ऑफ द डीन ऑफ द फैकल्टीज विद द वाइस चांसलर जामिया हेल्ड ऑन 2 दिसंबर, इट वॉज रिजॉल्व दैट द ओल्ड सेमेस्टर या एनुअल एंड एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड विद इफेक्ट फ्रॉम 21 दिसंबर 2020। यहाँ तक का मतलब ये है कि जब सारे फैकल्टीज के डीन का जब मीटिंग हुआ वाइस चांसलर के साथ, तो उसमें कब मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग हुई थी 2 दिसंबर को, तो उसमें यह फैसला लिया गया कि आपका प्रोक्टर्ड एग्जाम होगा, यानी आपका मोनिटर्ड एग्जाम होगा। वो कब से होगा, 21 दिसंबर से। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 21 दिसंबर से क्या सबका एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं है, 21 दिसंबर से एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, बट वो डिपार्टमेंट पे, वो फैकल्टी पे डिपेंड करते कि वो अपने बच्चों का एग्जाम कब लेगी। वो अपने बच्चों का एग्जाम का शेड्यूल बना करके कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को प्रपोजल देती है, फिर वो अप्रूवल वहां से मिल जाता है, फिर वो एग्जाम लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, इन व्यूइंग ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक COVID-19 सिचुएशन इन एंड अराउंड दिल्ली, मतलब कि दिल्ली और इसके आसपास कोविड का सिचुएशन बहुत बुरा है, इसलिए ये सारा स्टेप लिया जा रहा है। चूंकि बच्चों को कॉलेज में, बच्चों को स्कूल में बुलाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ सकती है। बच्चे जब एक साथ गैदर होंगे, दूसरी बात बच्चे सब दिल्ली में नहीं है, सब अपने अपने घरों में सेफ है, तो इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। उसके बाद द डेट शीट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द डिटेल गाइडलाइन फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सून। उसके बाद इसकी जो डिटेल है, इसकी जो डेट शीट है, वो आपको जल्दी बता दी जाएगी। तो समझते हैं कि क्या है प्रोक्टर्ड एग्जाम, कुछ लोग बोलते हैं मोनिटर्ड एग्जाम, तो क्या है एक्चुअली। ये होता है कि आप किसी भी तरह का मूवमेंट जब एग्जाम में करेंगे ना, चूंकि इससे पहले जो आपने एग्जाम दिया है, हो सकता है वो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, वो आपका वाइवा हुआ होगा, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन हुआ है, जिसको ओपन बुक एग्जामिनेशन कहते हैं। ऑनलाइन में होता क्या, बच्चे बुक खोल करके एग्जाम आराम से दे देते हैं, जो कि टीचर्स को भी पता था। बट इस बार फाइनल एग्जाम में आपके साथ ये मॉनिटर्ड वे में आपका एग्जाम लेने वाला है, प्रोक्टर्ड वे में एग्जाम लेने वाला है, जिसका मतलब है आप किसी भी तरह का मूवमेंट करेंगे, आपके जगह कोई और अपेयर होगा, मतलब एक पूरा अंडर द इनविजिलेशन आपका एग्जाम होगा। आप किसी भी तरह का मूवमेंट करेंगे, आप कुछ सर्च करेंगे अपने सेम सिस्टम पे, तो वो आपको पता चलेगा, वो आपको डिटेक्ट कर लेगी। चूंकि ये बताना इसलिए जरूरी था कि कुछ लोग समझ रहे थे कि ये हो सकता है एनटीए को, कोई टेस्टिंग एजेंसी को कांटेक्ट करेगी जामिया, एनटीए को या टीसीएस को, जो एग्जाम लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा होता, सारे बच्चे गेदर होकर एक हॉल में जाके एग्जाम देंगे ही, तो जामिया खुद अपने बच्चों को अपने यहां क्यों नहीं बुला लेती, ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू एग्जाम होता है, जिसमें आपकी सारी चीजें मॉनिटर्ड होता है, प्रोक्टर्ड होता है, मतलब आपके किसी भी तरह का मूवमेंट, आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हुई। तो बेसिकली बात यह हुई कि आपको पढ़ के एग्जाम देना है, अच्छे से एग्जाम देना है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। Please stay connected, keep growing. Thank you so much.